यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लास सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज टू कानपुर क्लास टेंथ सोशल साइंस टॉपिक खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको कोयला के उत्पादन एवं वितरण क्षेत्र के बारे में बताया था। आज आपको ऊर्जा के दूसरे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ खनिज तेल के बारे में आपको बताएंगे। वर्तमान युग मशीनरी युग है और वर्तमान समय में खनिज तेल ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मशीनों एवं स्वचालित वाहनों में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि बच्चों आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार आधुनिक युग में ऊर्जा में कोयले का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वर्तमान समय में मशीनों, कल कारखानों, वाहनों इत्यादि में ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सबसे अधिक खनिज तेल आयात करने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और एशिया के अरब कंट्रियों में भी खनिज तेल बृहद मात्रा में निकाला जाता है। भारत, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लीबिया अनेक देशों से खनिज तेल का आयात करता है। क्योंकि भारत में खनिज तेल के जो क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, जिसके कारण भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे अनेक देशों से खनिज तेल का आयात करना पड़ता है। भारत में खनिज तेल का वितरण प्रमुखतया 5 क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त होता है। पहला आता है असम तेल क्षेत्र। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में सबसे पहले हिमालय की तलहटी में असम में तेल निकाला गया था। चूँकि खनिज तेल भी कोयले की तरह ही जीवाश्म ईंधन है, जो कि नदियों, घाटियों में, अवसादी चट्टानों में प्राप्त किया जाता है। नहर असम के नहर कटिया डिगबोई में सबसे पहले तेल शोधन का कार्य किया गया था। दूसरा आता है गुजरात तेल शोधन केंद्र, जिसमें अंकलेश्वर कोयनी गुजरात के अंतर्गत तेल शोधन केंद्र है। अरब सागर में, चूँकि भारत में सबसे अधिक खनिज तेल मुंबई हाई में निकाला जाता है अरब सागर में। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि भारत में राजस्थान का जो मरुस्थली इलाका है, इसमें भी अपार संभावनाएं तेल की पाई जाती हैं। और भारत का जो हिमालयी का क्षेत्र है, उसमें भी तेल की अपार संभावनाएँ हैं। जैसा कि स्रोतों के द्वारा प्राप्त माध्यम से विदित हुआ है कि अवसादी चट्टानों में अधिक तेल निकलने के कारण हिमालय के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। नवीन क्षेत्रों में महानदी घाटी क्षेत्र या गंगा नदी घाटी क्षेत्र में भी तेल की संभावनाएं व्याप्त हैं। भारत में अनेक तेल शोधन शालाएं हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी खनिज पदार्थ पृथ्वी से निकलते हैं, वो कच्चे रूप में निकलते हैं, बाद में उनमें एक संशोधन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक शोधन प्रक्रिया के तहत इनकी रिफाइनरियों में एक प्रक्रिया के तहत पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल या ग्रीस इन शोधन प्रक्रियाओं से निकाला जाता है। और भारत में अनेक तेल शोधन शालाएँ हैं, जैसे ट्रांबे महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश, कोयनी गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, डिगबोई असम, कोचीन केरला, चेन्नई तमिलनाडु और करनाल हरियाणा में अनेक तेल शोधन शालाएँ हैं, जिनमें तेल को संशोधित करके। और निजी क्षेत्र में जामनगर एक बहुत बड़ी रिलायंस की तेल शोधन कंपनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो
तो 1950 और 51 में जो भारत में तेल का उत्पादन था वो 2.7 लाख टन था, जबकि भारत में उस समय मांग थी 24 लाख टन की, जो कि 2011-12 में भारत का जो तेल का उत्पादन 319.5 लाख टन और मांग 377 लाख टन हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि दिन प्रतिदिन तेल का उत्पादन भी बढ़ता है लेकिन मांग भी अधिक से अधिक बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि आज ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है और ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें खनिज तेल की आवश्यकता है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख खनिज है परमाणु ऊर्जा खनिज। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और विद्युत प्रोडक्शन के साथ साथ देश की और भी आवश्यकताओं की, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या जैविक बीजों के संशोधन के प्रक्रियाएं हो, ये परमाणु ऊर्जा से, क्योंकि जिन खनिज पदार्थों में रेडियो धर्मी तत्व पाए जाते हैं उन्हें परमाणु खनिज कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बोरिलियम आदि। चूँकि भारत में परमाणु ऊर्जा की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु रिएक्टर की स्थापना करके परमाणु ऊर्जा की शुरुआत हुई, और क्योंकि इसके जो जनक थे होमी जहांगीर भाभा, एडामिक सेंटर महाराष्ट्र ट्रांबे, और परमाणु ऊर्जा का जो सबसे पहले भारत में विस्फोट किया गया था वो 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में 11 मई और 13 मई को परमाणु विस्फोट करके पुनः विश्व के पटल पर अपनी परमाणु ऊर्जा का प्रदर्शन किया गया। आज वर्तमान समय में भारत में लगभग 17 परमाणु रिएक्टर हैं, जिनमें से प्रमुख जो महाराष्ट्र तारापुर, नरौरा उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, कैगा गुजरात, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, जैतापुर, अनेक परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है जो वर्तमान समय में लगभग 4120 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन करते हैं। और वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत इसके प्रसार की भी व्यवस्था करता जा रहा है ताकि ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि आज के इस विकसित सभ्य समाज में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है और ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा के विकास में भी बल देना पड़ेगा। अब बच्चों, इसको मानचित्र के द्वारा इन ऊर्जा केंद्रों के बारे में आप जानेंगे। प्रमुख तेल शोधन केंद्र व परमाणु ऊर्जा केंद्र,
क्योंकि ये चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या खनिज तेल का क्षेत्र हो या खनिज परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हो, जितने भी खनिज पदार्थ या ऊर्जा के संसाधनों को हमें केंद्रों को दिखाने के लिए मैप की आवश्यकता होती है और इन क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए हमें मैप के साथ साथ इन केंद्रों को दर्शाने की भी आवश्यकता होती है। परमाणु ऊर्जा के तेल शोधन केंद्र ने यहाँ पर असम में, आपको मालूम है कि नहर कटिया डिगोई, आपको मालूम है कि अलविया विशाखापट्टनम चेन्नई कोचीन जामनगर मथुरा बरौनी या परमाणु ऊर्जा केंद्र में नरौरा बुलंदशहर कोटा राजस्थान मुंबई है। तारापुर महाराष्ट्र कलपक्कम तमिलनाडु। आगे क्या, आगे ऑनलाइन वीडियो में। थैंक्स। अभी तो सर